किसी महान वैज्ञानिक ने कहा है कि अगर आपको देश का भविष्य जानना है तो आप उस देश के स्कूल और स्कूल के छात्रों को देखिए, आपको देश का भविष्य पता चल जाएगा। लेकिन आप अगर पलवल के गांव बघोला के राजकीय उच्च विद्यालय को देखेंगे तो निश्चित तौर पर यही कहेंगे कि इस देश का भविष्य खतरे में है, और खतरा खुद उसके स्कूल की इमारत से है, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के सर पर हर समय किसी हादसे का संकट खड़ा रहता है। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस स्कूल की इमारत की तस्वीरें बयां कर रही है। इस स्कूल के लगभग सारी इमारतों की छतों के नीचे सपोर्ट के लिए लगाए गए गाटरों में दरारें आ चुकी हैं। ऐसा कोई गाटर नहीं बचा है जिसमें दरार ना आई हो, और ज्यादातर गाटरों से सीमेंट और मसाला अलग होकर झड़ चुका है और सपोर्ट में केवल खाली सरिये ही दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छत की सपोर्ट में लगे गाटरों में मात्र सरिया ही रह गया है जो कभी भी निकल कर गिर सकता है। इसी सपोर्ट के नीचे 307 बच्चे रोजाना इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। खतरे की आशंका को देखते हुए इस स्कूल में अधिकांश बच्चों का समय क्लासरूम के बाहर ही बीतता है। बच्चों को ज्यादातर क्लास के बाहर ग्राउंड में बिठा कर पढ़ाया जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ परिस्थितियाँ और भी खराब हो जाती है। स्कूल के मैदान में पानी इकट्ठा होकर स्कूल के कमरों में भर जाता है। स्कूल का फर्श पूरी तरह से टूट चुका है। बारिश के मौसम में स्कूल में सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि 300 से ज्यादा बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए। पानी आ जाता है कमरों में, और तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, बस ये बिल्डिंग की सबसे बड़ी समस्या है। और हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस समस्या को शीघ्र ही दूर किया जाए, जिससे कि बच्चों भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे। क्या किसी तरह का खतरा बनता है इससे? हाँ जी, बारिश के मौसम में छत से पत्थर कई बार गिरे हैं और बच्चे निकलते बढ़ते फिर हमें डर ही लगा रहता है, इसलिए हम ज्यादातर क्लासे बाहर ही लगाते हैं। सर, बिल्डिंग के बहुत बुरे हालात है, क्लासों में दरारें आई हुई है, हॉल है जी, उसमें तो वहाँ पे दीवार गिरने का खतरा भी रहता है। बहुत तेजी से बारिश आती है तब सर पानी भी बहता है जी। सर, स्कूल की दीवारों की हालत बहुत बुरी है, और कभी कभी बारिश का पानी छतों पर भर जाता है जिससे सीलन होती है, और क्लास में पानी टपकता रहता है जिससे हमें पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और वो चौमासे के मौसम में ये दीवारें झड़ झड़ के गिरने लगती हैं जिससे हमको बहुत परेशानी होती है। एक बार हम खेलते खेलते भी बच गए थे, हमारे ऊपर वो गिर सकता था झड़ के। कैसे हुआ था? सर, हम रोड क्रॉस कर रहे थे तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो स्कूटरी आ गई। आपको मतलब हिट कर दिया? हाँ जी। कहाँ चोट आई आपको? सर, पैर में लगी थी और हाथों में खरोंची आई थी। अच्छा, तो कब से ये समस्या बनी आ रही है इस तरीके? सर, कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए हैं जब हम रोड क्रॉस करते हैं। 6-7 साल से आप रोड क्रॉस? हाँ जी। कोई सुविधा नहीं है कहीं रोड क्रॉस करने के लिए, और कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई फुटब्रिज हो या कोई नीचे अंडरपास हो? नहीं है सर यहाँ पे। वहीं हाईवे को पार करते हुए एक हादसे का शिकार हुई छात्रा ने बताया कि किस तरह से वो रोड को पार कर रहे थे, सावधानी बरतने के बाद भी उनकी टक्कर एक स्कूटी से हो गई जिसमें उसको बेहद चोट लगी। ये हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल है, 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, 6ठी से 10वीं तक के। फिलहाल जो यहाँ की बिल्डिंग है वो बहुत ही जर्जर हालत में है। इस बिल्डिंग को सरकार द्वारा PWD डिपार्टमेंट द्वारा कंडम घोषित किया हुआ है। ये बहुत ही डेंजरस बिल्डिंग है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी बच्चों को यहीं पर पढ़ाया जा रहा है। मैंने इस बारे में PWD एक्शन साहब से बात की है कि इस बिल्डिंग को आप डिमोलिश करो, क्यों ना, क्यों इस बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर किसी दिन कोई हादसा हो गया कौन जिम्मेवार होगा? उन्होंने कहा जी हमने इसकी फाइल चंडीगढ़ भेज रखी है, वहाँ से जैसे ही पैसा सेंक्शन हो गया जाएगा हम कर देंगे। इसके लिए मैं DO साहब से मिला, DO साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, DO साहब इस स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, डबल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बच्चों को यहाँ पढ़ाना खतरे से खाली नहीं है। किसी भी परीक्षार्थी को कोई नुकसान ना हो, और ये जो विद्यालय है जो कि हाईवे पर, बिल्कुल हाईवे पर स्थित है और गांव की दूसरी साइड पड़ता है, जिससे हाईवे में भी थोड़ा अब बच्चों को निकलने में दिक्कत रहती है। उसका एक अंडरपास की भी हमने मांग कर रखी है, लेकिन NHAI वालों से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि इसका अंडरपास बनाया हुआ है, रोड के नीचे से अंडरपास बनाया जो ग्रामीणों ने कूड़े से भर दिया है, उसको भी साफ करवाया जाएगा और बच्चों को कोई तकलीफ होने नहीं दी जाएगी। मैंने ऊपर लिख दिया है, और ये स्कूल शिफ्ट करने के लिए सरपंच साहब मेरे से मिले थे, और उस विद्यालय को जल्दी हम 2-4 दिन में शिफ्ट कर देंगे। इस मामले को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का पत्र उनको मिल चुका है, लेकिन उस पत्र को उन्होंने अपने ऊपर के अधिकारियों को भेज दिया है, और जल्द ही स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही जा रही है।
पलवल से न्यूज के लिए रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।